हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे सुबह सुबह, मेरा लंच का आधा रूटीन खत्म हो गया है और हम भी ऑफिस चले गए हैं। कल से तो फोर्थ लॉकडाउन भी ओपन हो गया है और आज से उनका ऑफिस रेगुलर होगा, नो छुट्टी। अभी बीच बीच में जैसे उनको ब्रेक मिलता था, अभी रेगुलर वो ऑफिस जाएंगे। चलिए, अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट में डोसा बनाई थी, उनके लिए तीन डोसा बना ली और बाकी बच्चे उठने के बाद बनाऊंगी। सब्जी तो है, वो गुगनी जो मटर का सब्जी बनाई थी। और ये हस्बैंड लंच में लेकर के दाल चावल और ये भिंडी आलू फ्राई। इतना भिंडी है, मैं टिफिन बॉक्स में रख दूंगी और ये सब निकाल दूंगी। और आज ट्यूसडे है तो आज कुछ अच्छा वाला लंच बनेगा। श्रीम्प है, फीस है और क्राब भी है, तो क्या बनाऊंगी वो सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, पर बेटा बेटी दोनों कल रात को ही बोल दिए थे कि मामा आज तुम क्राब ही बनाना, तो फिर क्राब ही बना दूंगी उनके खुशी के लिए। मैं भी क्राब खाती हूँ, मुझे तो सब पसंद है, फिश थोड़ा ज्यादा पसंद है मुझे। फिश कल बनाएंगे, कल तो वेडनेसडे तो कल बनाऊंगी फिश, पर आज बना लूंगी मैं क्राब। और क्राब का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और बहुत सारे फ्रेंड का भी कमेंट आया है, एक फ्रेंड है उन्होंने बोला है कि गोलगप्पा जो पानी पूरी होता है, पानी पूरी का भी रेसिपी दीजिए। और घाट तरकारी हमारा होता है ओडिया का, घाट तरकारी का रेसिपी। आप लोग इतने मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं और कमेंट में भी देती है कि मेरा नेक्स्ट रेसिपी में क्या दूं आप लोगों के लिए, तो थैंक यू। और मैं सबका रेसिपी मैं दूंगी, एक एक दिन करके मैं दूंगी। और आज मैं फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे क्राब करी बनाऊंगी और वो रेसिपी जरूर आप देखिए। अभी नहीं, लंच में बनाऊंगी। अभी तो नहाना धोना है, पूजा करना है, बच्चों को उठाना है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी लंच के टाइम में। गाइस, वेलकम बैक। लंच का टाइम हो गया है। आज तो मेरा लंच सुबह ही हो गया था, आधा राइस हो गया है और भिंडी आलू फ्राई की थी थोड़ा है। पर अब हमारे लिए हम बनाएंगे स्पेशल क्राब करी। और अब मैं क्राब को मैरिनेट करके 5-10 मिनट रख दूंगी, फिर मैं चॉपिंग जब तक होगा तब तक क्राब भी मैरिनेट हो गया होगा। डायरेक्ट मैं कढ़ाई में ही बना दूंगी। आप देखिए, ये तो सी क्राब है और एक आता है मॉड क्राब, वो मोटा मोटा होता है, बहुत अच्छा लगता है, जूसी रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है। पर वो डेली अवेलेबल नहीं रहता है, वो कभी कभी रहता है, जो मिला उससे ही। ये भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, हल्दी इतना, थोड़ा ज्यादा डाल देती। अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी, अब थोड़ी देर इसको रख दूंगी। जब तक मेरी ये चॉपिंग सब हो जाएगा, फिर थोड़ा क्राब मैरिनेट भी हो जाएगा। चलिए बनाते फटाफट क्राब करी। और बिना बोले ही मैं चॉपिंग कर लेती हूँ फटाफट। प्याज को मैं इसे ग्रेटिंग कर दूंगी, जब ग्रेवी बनाऊंगी तो उसका ग्रेवी थिक रहेगा, इसलिए मैं हमेशा जब मसालादार खाना बनाती हूँ तो प्याज को ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ। आंख में कितने आंसू आ गया है, बहुत तीखा वाला प्याज है। ये प्याज को मैं कद्दूकस कर ली और ये टमाटर दो तीन आलू, इसके साथ मैं बनाऊंगी आज मैं क्राब करी। और ये रहा क्राब,
कढ़ाई गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। ये कुछ स्पाइसेस मैं फर्स्ट डालूंगी, फिर डाल दूंगी मैं पोटैटो, थोड़ा सा डाल दूंगी पोटैटो। पोटैटो को अच्छे से पूरा लाल होने तक मैं इसमें ही फ्राई करूंगी, इसके बाद मैं अनियन और टमाटर डालूंगी। और हाँ, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालना है, मैं लेकर आऊंगी। आलू फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज्यादा ली हूँ, 3 बड़ा स्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ा ज्यादा चाहिए। और अब मैं ये टमाटर भी डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। नमक मैं क्राब में थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए दी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दूंगी मैं। चिली पाउडर आप अपने हिसाब से दीजिए, हम तो थोड़ा नॉनवेज में तीखा ज्यादा खाते हैं, इसलिए मैं 2 स्पून चिली पाउडर डालूंगी। अच्छे से मसाला को मैं मिला दूंगी, मिला के थोड़ी देर भूनूंगी, उसके बाद ये क्राब भी डाल दूंगी इसके अंदर। अब ये क्राब भी मैं मसाला के अंदर डाल दूंगी। अब मैं अच्छे से मसाला के साथ क्राब को मिलाऊंगी। क्रैब को मैं 10-15 मिनट भूनूंगी, थोड़ा अभी ढक दूंगी, फिर भूनती रहूंगी उसको। क्रैब भूनना हो गया, अब मैं इसके अंदर पानी दे दूंगी। मैं 2 ग्लास पानी दूंगी इसके अंदर। अब मैं क्रैब को ढक के 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। क्रैब करी हो रहा है। हाँ बाबू, दिस इज सेम लाइक दिस। यस 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 यस, गुड बाय गुड बाय। यस गुड बाय। और बच्चों का थोड़ा पढ़ाई चल रहा है, स्कूल खुलने तक बच्चे घर पे ही पढ़ेंगे। अभी कितना 60? और 9 डेज है। और 9 डेज है, मेरा बर्थडे आ रहा है। ओह, बर्थडे जून 6। हाँ 6 जून, वो तो अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट है कि उसका बर्थडे आ रहा है 6 जून को। तो अभी से मतलब अभी से ही उसका नींद उड़ गया है कि बर्थडे आ रहा है उसका बाबू का। चलो, बाबू का बर्थडे के टाइम लॉकडाउन खुल गया है ना बाबू। फिर भी अभी भी 1-2 महीना सोशल डिस्टेंस में ही रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, घर में ही केक पेक बना के ऐसे ही कुछ कर लेंगे। 1-2 महीना तो बाहर भी निकलने का मन नहीं हो रहा है, पर बच्चे बड़ी जिद में ही बैठे हैं कि चलो मम्मा किधर चलते। ठीक है, उसके बर्थडे भी सैटरडे होकर हो रहा है, सैटरडे को देखते हैं, कुछ मॉल फॉल खुला होगा तो जाएंगे, सोशल डिस्टेंस में अगर खुला रहेगा तो, नहीं तो घर में ही बनाएंगे अच्छा वाला खाना पाना खा के मना लेंगे बर्थडे।
उसको तो बस बैलून, पूरा बैलून से अच्छा से घर को डेकोरेट हो गया, एक अच्छा वाला केक और उसका मनपसंद गिफ्ट। तुम्हारा बर्थडे था ना, वो केक मत लाना, मुझे वो केक पसंद है। ओके ओके, वो केक मैं भी नहीं लाई थी ना, पापा लेकर लाए थे वो, मुझे जो पसंद है वो केक लेकर आएंगे। ठीक है, कौन सा केक चाहिए? वो व्हाइट कलर, व्हाइट कलर केक चाहिए, व्हाइट कलर प्लेन केक। व्हाइट कलर प्लेन केक यू वांट? यू वांट व्हाइट कलर प्लेन केक? प्लेन एरोप्लेन ना, प्लेन केक? सिर्फ प्लेन, सिर्फ प्लेन केक। अच्छा अच्छा, ब्लैक व्हाइट फॉरेस्ट वो तुमको अच्छा है, वो अच्छा लग रहा है? ओके, यू वांट दैट? ओके, आई विल गिव यू। थोड़ी देर बैठेंगे बच्चे के पास, फिर क्राफ्ट करी होने के बाद टूट पड़ेंगे हम माँ बेटे बेटी तीनों मिलकर। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद मैं बात करती हूँ उसको, थोड़ा समय होमवर्क फिर दे देती हूँ। आज तो ये मेरा गुड बॉय हो गया है, क्राफ करी खाना है ना, इसलिए फटाफट फटाफट जो भी बोल रही हूँ लिख के जा रहा है। देखिए आज बहुत अच्छे से वो पढ़ाई किया है, जो भी बोल रही हूँ वो फटाफट लिख के जा रहा है। गुड बॉय हो गया आज मेरे बाबू। अरे बाबू, मुझे क्राफ लिप्स चाहिए। हाँ क्राफ चाहिए, एक बड़ा वाला क्राफ दूंगी। ओके, थोड़ा चेक करने के लिए आई थी, क्राफ करे कितना तक हुआ है, और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आलू अभी तक भी अच्छे से बॉईल नहीं हुआ है। और ये हो गया है क्राफ करी, थोड़ी देर के बाद 5 मिनट रख कर इसको फिर हम लोग खाएंगे आज क्राफ करी। अब ऐसे ही मैं गैस बंद करूंगी और थोड़ा ढक के 5 मिनट्स रख दूंगी, फिर दिखा देती हूँ और एक बार आपको। जो कभी पढ़ाई खत्म हो गया, अभी लंच टाइम हो गया है, कुछ देख रहे यूट्यूब। क्या हुआ क्या हुआ? डोंट फाइट डोंट फाइट। और आज मैं अपना मनी प्लांट फिर से दिखाऊंगी आपको, ये देखिए वाओ। और ये भी बहुत अच्छा अच्छा ग्रो हो रहा है, अभी तो बारिश का टाइम है, प्लांट सब अच्छे से ग्रो होगा। और ये रहा क्राफ करी, अब मैं इसको साफ करूंगी। देखते हैं कैसा हुआ है क्राफ्ट करी, बच्चे तो पूरा खाना शुरू कर दिए हैं। कैसा हुआ है मामा? वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी, यम्मी। तू खा पाएगा बाबू क्राफ्ट? टेस्ट करके बोलती हूँ।
बहुत अच्छा और बड़ा बड़ा भी क्रैप था तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। और क्रैप किस किस को खाना आता है ऐसे? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए अब मैं मेरी ब्लॉग यही पे रखती हूँ, हम लोग अच्छे से क्रैप खाएंगे, उसके बाद एक घंटा सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे आज। इसके पापा आने के बाद उठेंगे और अभी कुछ नहीं, 1:32 o'clock हो गया। बाबू बाय करो, बाय करो, बाय। ओके फ्रेंड, फिर रहती हूँ मैं आज का ब्लॉग में यही पे एंड करती हूँ। हम लोग अच्छे से हमारा क्रैप लंच एंजॉय करेंगे, आप भी जाइए खाना खाइए। टिल देन बाय बाय।